हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैद्य मीनाक्षी बागल, असिस्टेंट प्रोफेसर MD रचना शारीर, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजकोट. वी हैव लर्नड इन प्रीवियस वीडियो एम्ब्रियोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट वन. नाउ वी आर स्टडिंग सेकेंड पार्ट विच इज इंक्लूडेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ग्रोथ इट इज क्वांटिटेटिव चेंज. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब संख्या के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं सेल्स में और टिश्यूज में, वो ग्रोथ में गने जाते हैं. ग्रोथ ऑफ सेल्स इज आइदर बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म इन द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल G1S and G2 और बाय रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ बॉडी बाय माइटोसिस. माइटोसिस में जो इंटरफेस में चेंजेस होते हैं वो. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्रोथ. अब ग्रोथ की कितने टाइप्स है, तो चार, ठीक है. उसमें से फर्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व जनरली ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड. प्रीनेटल पीरियड हमने देखा था पहले प्रीवियस वीडियो में, क्या है, बिफोर बर्थ, ठीक है. इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो होती है फिटस की, वो उसमें ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रोथ होती है. सेल नंबर इंक्रीजेस बट साइज रिमेन्स सेम, ठीक है. इसमें सेल्स के नंबर बढ़ते हैं लेकिन साइज जो है वो सेम रहता है. एग्जाम्पल है ब्लास्टोमियर, ठीक है. ब्लास्टोमियर हम देखेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, ये सब हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं. इन पोस्टनेटल पीरियड द न्यूरॉन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इफ दे आर डिस्टर्ब, व्हाइल द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड ब्लड सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. अब पोस्टनेटल में क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन एपिडर्मिस मतलब GIT का जो एपिथेलियम है वो रिप्रोड्यूस होता है, ब्लड सेल्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं. द लीवर सेल्स डू नॉट डिवाइड नॉर्मली बट इफ देयर इज लॉस ऑफ 2/3 ऑफ लीवर दे मल्टीप्लाई. जनरली लीवर के सेल जो होते हैं मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन अगर 2/3 तक डैमेज हो गया तो उसके बाद वो सेल्स रिप्रोड्यूस मतलब मल्टीप्लाई होने लगते हैं. अब सेकेंड टाइप जो है ऑक्सेटिक है. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज सीन इन ऊसाइट्स एंड सर्टन न्यूरॉन्स, ठीक है. ऑक्सेटिक ये किसमें होता है, ऊसाइट्स. ऊसाइट्स हमने देखे ये गैमिट्स होते हैं, सर्टन न्यूरॉन्स और किसी स्पेसिफिक न्यूरॉन्स में ये ऑक्सेटिक ग्रोथ हमें दिखती है. द सेल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म तो मालूम है सबको, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है. दस न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो चेंजेस बट देर इज नो अल्टरेशन इन स्ट्रक्चरल जीन्स. ड्यू टू चेंज इन दिस रेशो स्ट्रक्चरल जीन्स इन न्यूक्लियर DNA बिकम इन इफेक्टिव एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज हैम्पर्ड. सो प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड, देयर विल बी अदर सेल्स दैट सराउंड दीज लार्जर सेल्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है. न्यूट्रिशनल ग्रोथ होती है इसमें. सैटेलाइट, अब इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, सैटेलाइट सेल्स अराउंड द लार्जर न्यूरोन्स एंड फॉलिकुलर सेल्स अराउंड द ऊसाइट. एक्रीशनरी थर्ड टाइप जो है वो एक्रीशनरी ग्रोथ. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, दिस कॉजेस इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है. इंटरसेल्युलर सेल के अंदर के जो भी सब्सटेंसेस है वो बढ़ने लगते हैं. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, इससे क्या होगा, लेंथ में लेंथ वाइज ग्रोथ होती है. फोर्थ टाइप है अपोजिशनल ग्रोथ, एडिशन ऑफ न्यू लेयर्स ऑन प्रीवियस वंस. पहले ही कोई है सेल का लेयर, जैसे एपिथेलियम या फिर एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ, उस पर दूसरा लेयर बन जाता है. इट टेक्स प्लेस एट द एजेस, इट इज सीन इन रिजिड स्ट्रक्चर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर्स. जैसे काउंटर्स को रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, बोन्स, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं बोन्स. इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ बोन बाय एडिशन ऑफ लैमिली. लैमिली बोन में बढ़ती रहती है, ठीक है, और इससे क्या होती है, बोन की विड्थ जो है, विड्थ मतलब लेंथ वाइज नहीं विड्थ वाइज ये बढ़ने लगते हैं. अब डिफरेंशिएशन, इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन. डिफरेंशिएशन में क्या है, क्वालिटी है, जैसे गुणात्मक बदल होता है. और पहले हमने क्या देखा, ग्रोथ में संख्यात्मक बदल, ठीक है. डिफरेंशिएशन क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब गुण क्या है, फंक्शन, ठीक है, कार्य के हिसाब से गुण में बदलाव आने लगते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर एज फॉलोज, ठीक है. अब इसके टाइप सीखेंगे. फर्स्ट है कीमो डिफरेंशिएशन. इट इज एन इनविजिबल डिफरेंशिएशन, इट टेक्स प्लेस एट मॉलिकुलर लेवल. द सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं, तो मॉलिकुलर लेवल पे जो काम करते हैं वो.
मॉलिक्यूल सबको मालूम है। हिस्टो सेकेंड टाइप है हिस्टो डिफरेंशिएशन। हिस्टो इट टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल, सबको मालूम है हिस्टोलॉजी हम स्टडी करते हैं ऑर्गन्स की, तो वो टिश्यू लेवल पे करते हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन है वो टिश्यू लेवल पे होता है। थर्ड टाइप है ऑर्गेनो डिफरेंशिएशन, इसी को दूसरा नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बनाने का काम। दिस इज एट एन ऑर्गन लेवल, इट इज द बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फॉर्म का ये बेस होता है। फोर्थ टाइप जो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस में डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन के हिसाब से, हीमोडायनेमिक चेंजेस इन ब्लड वेसल्स। अब सबसे पहले देखेंगे हम वो ऑर्गेनाइजर देखा था मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, कीमो डिफरेंशिएशन में हमने देखा था ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर का काम, एनी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच एक्सर्ट्स अ मॉर्फोजेनेटिक स्टिमुलस दैट विच चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ स्टिमुलेटेड पार्ट ऑन एन एडजेसेंट पार्ट और पार्ट, जो कि एक ऐसा स्टिमुलस है। ऑर्गेनाइजर क्या है, कि ऐसा स्टिमुलस है जो अपने पार्ट पे भी काम करेगा और जो बाजू के सेल्स या टिश्यू उस पे उसको भी स्टिमुलस देता रहता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। फर्स्ट है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ब्लास्टोपोर है, प्रिमिटिव स्ट्रिक है, ये हम देखेंगे। जैसे ब्लास्टोसिस के बाद तीन लेयर्स फॉर्म होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। इसमें ब्लास्टोपोर, प्रिमिटिव स्ट्रिक कैसे फॉर्म होती है वो सारा डिटेल में हमें देखना है, तो ये इतना ध्यान रखो कि प्रिमिटिव स्ट्रिक दैट इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड सेकेंडरी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर जो होता है नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट्स, ठीक है, इसका एग्जांपल है नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बनते हैं, ये एम्ब्रियो का पार्ट है, नोटोकॉर्ड इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का नोटोकॉर्ड से बनेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड इसका स्टिमुलेट ऑर्गेनाइजर हो गया, ठीक है। टर्शरी ऑर्गेनाइजर न्यूरल ट्यूब इज द टर्शरी ऑर्गेनाइजर दैट इंड्यूसेस सेगमेंटेशन ऑफ पैराक्सियल मेसोडर्म इनटू सोमाइट्स, ठीक है। न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है एम्ब्रियो में, जो कि आगे जाके किसको बना रही है, मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और सोमाइट्स को बना रही है। अब स्टेम सेल्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मोर नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम टाइप बाय रेप्लिकेशन। अब ये क्या है, डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं ऐसे सेल्स, ठीक है, इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मोर नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ बाय रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करते हैं, देन अदर सेल्स आर फॉर्म बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम द अबो सेल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, टू टाइप्स होते हैं स्टेम सेल्स के, द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट सोमेटिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक जो है, जैसे कि हमने देखा, एम्ब्रियोनिक मतलब फिटल लाइफ, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एडल्ट स्टेम सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट आर टिश्यू स्पेसिफिक, ठीक है। दे रिमेन सो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जिनका काम पूरे लाइफ तक होता है, और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो बस एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है वहाँ तक ही लिमिटेड होते हैं। दे आर द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू एंड एन ऑर्गन इन द बॉडी, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। ये सोमैटिक जो है पूरे लाइफ तक काम करते हैं, और दे हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंस, ये सेल्फ मतलब नए बनते रहते हैं। स्टेम सेल क्लासिफिकेशन, अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर पोटेंसी, ठीक है, उनकी कार्यकारी शक्ति हिसाब से हमें उनको अलग अलग नाम दिया है। अब टोटीपोटेंट, उसमें से फर्स्ट है टोटीपोटेंट सेल्स, दे कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स इन एम्ब्रियो, दे कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियो के पार्ट्स को भी फॉर्म करता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट्स को भी फॉर्म करते हैं। ये टोटी पोटेंट है, टोटी मतलब टोटल, ठीक है, ऐसे समझ लो टोटल इनकी पोटेंसी होती है, टोटी पोटेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पार्ट्स, एम्ब्रियोनिक पार्ट्स में क्या आएगा, ब्रेन आएगा, है ना, नोटोकॉर्ड वो सब, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो के बाहर का पार्ट है, यूट्रस में जो बनते हैं एम्नियोटिक सैक है, प्लासेंटा है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जायगोट और अर्ली ब्लास्टोमीज, इनसे दोनों पार्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट है प्लूरी पोटेंट, इट कैन गिव राइज टू ऑल ऑफ द सेल टाइप्स दैट मेक अप द
बॉडी, अपने प्लूरी प्लूरल मतलब बहुत सारे पार्ट्स ये अपने शरीर के बनाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कंसिडर्ड प्लूरीपोटेंट। इनर सेल मास, अब इसमें देखो इसकी डिविजन्स होती है, जैसे ब्लास्टोसिस फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस के बाद कुछ लेयर बाहर का लेयर फॉर्म करता है और कुछ सेल्स जो है अंदर जाके क्लस्टर फॉर्म करते हैं और उसी को बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, तो इनर सेल मास से सारे ऑर्गन्स बनते हैं आगे जाके, तो उसको बोलते इनर सेल मास एक एग्जाम्पल है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का। ठीक है, अब ये इनर सेल मास कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। मल्टीपोटेंट, थर्ड जो पार्ट है, थर्ड जो टाइप है मल्टीपोटेंट, दे कैन डेवलप इंटू मोर देन वन सेल टाइप बट आर मोर लिमिटेड देन प्लूरीपोटेंट सेल्स। ये लिमिटेड ही होते हैं, लिमिटेड एरिया मतलब इनका काम। देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं एडल्ट स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स एंड हीमेटोपोएटिक सेल्स। ठीक है, इनका काम जैसे कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल से और हीमेटोपोएटिक सेल से जो हीमेटोपोएसिस में काम में आएंगे। नेक्स्ट है ओलिगोपोटेंट। ओलिगो मतलब एक डिफरेंट ग्रुप ऐसे समझ सकते हैं हम। इट कैन डेवलप इनटू सेल्स ऑफ वन कैटेगरी ओनली, एक ही कैटेगरी के सेल्स में इनका परिवर्तन परिणाम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वैस्कुलर स्टेम सेल्स दैट फॉर्म एंडोथेलियम एंड स्मूथ मसल। ये एंडोथेलियम क्या है, वेसल्स के अंदर का जो लेयर होता है उसको एंडोथेलियम लेयर उसको बोलते हैं। स्मूथ मसल भी ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो स्मूथ मसल वास्कुलर सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डायलेट कंटिन्यू होती रहती है, उसमें स्मूथ मसल होती है। लिम्फॉइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स दैट फॉर्म ब्लड सेल्स। यूनिपोटेंट एक ही काम करेगी, इट कैन डेवलप इनटू ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये यूनिपोटेंट है। देखो लीवर सेल है मसल सेल, लीवर सेल दूसरी कहीं पर भी जगह जाएंगे नहीं, लीवर सेल को ही फॉर्म करेंगे जैसे, और मसल सेल। ठीक है, ये डिवीजन है यहाँ पर। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है टोटल, जैसे एक एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट को बना रहे। इसका एग्जाम्पल है जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है, ओवम स्पर्म फॉर्म हो फ्यूजन होके। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, इनसे अलग अलग ऑर्गन बनते हैं और तरह तरह के काम करने वाले ऑर्गन बनते हैं, इसलिए उनको मल्टीपोटेंट। ऑलिगोपोटेंट स्टेम सेल जो है वो न्यूरो, ठीक है, न्यूरल सिस्टम से न्यूरोनल स्टेम सेल। ठीक है, एक स्पेसिफिक काम करने वाले, जैसे वैस्कुलर हमने देखा है, न्यूरोनल। ठीक है, ये हो गया यूनिपोटेंट स्टेम सेल मसल सेल को, और प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट मतलब मल्टीपल। ठीक है, सब तरह के एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वहां से इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म कर होते हैं। ये हो गया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। थैंक यू।